सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस की भूमिका पर बार बार सवाल उठ रही हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने, जी हाँ, दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने एक बयान दिया है और उनको क्या लगता है कि मुंबई पुलिस में की जो इस पूरे केस में भूमिका थी वो क्या थी? दिल्ली पुलिस पर मुंबई पुलिस की क्या छाप पड़ी है या कोई दूसरे राज्य की पुलिस इस पूरे केस पर क्या सोच रही है? तो क्या कहा है भूतपूर्व डीसीपी जो दिल्ली के थे उन्होंने, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। दरअसल दिल्ली के भूतपूर्व डीसीपी LN राव ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने जो जांच किया है, मैं उनकी काबिलियत पर शक नहीं करता हूं, मैं मुंबई पुलिस को मानता हूं कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन इस पूरे केस में जो है उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, ये बात जो है मुझे भी समझ में आ रही है और ये लगता है कि उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। आपने CRPC 174 यानी कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल कर दी, परिवार को और लोगों को लगा कि आप जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी FIR दर्ज करेंगे, लेकिन जब आपने FIR ही दर्ज नहीं की, बहुत सारे चीजें जो है सामने आने लग गई, तब समझ में आया कि मुंबई पुलिस की जो जांच है वो सही नहीं चल रही। जो शख्स, सुशांत जैसा शख्स, उनके बहुत सारे वीडियोस, तस्वीरें वायरल हुए हैं, वो सब देखे हैं, जो शख्स इतना खुश है वो भला सुसाइड कैसे कर सकता है? आपने उस केस को सुसाइड कह के कैसे खत्म किया? वो नहीं होना चाहिए था। तो वो कहते हैं ये हाई प्रोफाइल मामला है और ये हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की वो 174 CRPC के तहत शुरू की, उस कार्रवाई को करते वक्त पब्लिक को और परिवार को लगा कि मुंबई पुलिस इसको सही से इन्वेस्टिगेशन करेगी। जो इंसान फैमिली के साथ इतना खुश है, सिर्फ ये कहना सही नहीं कि उसने सुसाइड कर लिया। मेरे हिसाब से मुंबई पुलिस ने अब तक FIR दर्ज नहीं की, वो कर लेनी चाहिए थी। मुंबई पुलिस की भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखाई दे रही है। मैं मुंबई पुलिस की विश्वसनीयता पर, काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो फेयरली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहा कि इसमें जो है मुंबई पुलिस की भूमिका जो है वो संदिग्ध लगती है, विश्वसनीय नहीं लगती, ऐसा लगता है कि फेयरली इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था। ये बयान है दिल्ली पुलिस का जिन्होंने दिया है, पूर्व फॉर्मर DCP रह चुके हैं वो, और उन्होंने मुंबई पुलिस के बारे में ये कहा है। दरअसल मुंबई पुलिस की जो इमेज, ये सब कुछ होने के बाद जो सारी चीजें हुई उसमें यही हुआ कि मुंबई पुलिस से लोगों का विश्वास उठा है। अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल की थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सुशांत के पिता के जो वकील है विकास सिंह ने एक लाइन बोली थी कि हमें ये 40 दिन में समझ में आया कि मुंबई पुलिस सिर्फ और सिर्फ तमाशा कर रही है, बॉलीवुड के फिल्म के लोगों को बुलाकर जो असली जांच है उस दिशा में तो काम ही नहीं हो रहा है, और इसीलिए जो है हमने पटना में FIR दर्ज कराई और फिर विनय तिवारी यहाँ आए, उनको क्वारंटीन कर दिया गया। तो ये सारी चीजों को लेकर जो है ये बात जो है अब सभी को लगता है कि नहीं, इसमें जो है मुंबई पुलिस ने जांच फेयर नहीं की है और उनकी विश्वसनीयता पर वाकई में सवाल खड़े हुए हैं, और ये बात जो है खुद अब दिल्ली के पूर्व DCP ने भी बोली है।